हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूँ एडमिशन रिलेटेड अपडेट और ये अपडेट लेकर के आ रही है की बोपी की के थ्रू और जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी नीट की जो कौंस जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो फॉर द पीजी कोर्सेज अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है तो बोपी ने एक प्रोविजन मेरिट लिस्ट प्रोविजन लिस्ट जो है पी फॉर द नीट एम डी एम एस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेस फॉर द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ड्यू टी ऑफ़ एंड के लद्दाख रिलीज कर दिया आज और ये आज की मेरी सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो मैंने आयुष और बी बी कोर्सेज के बारे में उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर की थी अपने चैनल पर उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन किया आ, दिया हुआ है आ, आप लोग उस वीडियो को भी आप देख सकते हो ये तो ये आज सेकेंड वीडियो है प्लस मैंने अपना इंस्टाग्राम आई का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप मुझे उधर भी फॉलोअप कर सकते हो तो इस नोटिफिकेशन में जो इन्होंने दिया है ये आज का नोटिफिकेशन है तो अकॉर्डिंग टू तो जो भी स्टूडेंट्स ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है उसको इन्होंने वर्कआउट करके ये प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट जो इन्होंने निकाली है ठीक है और इन्होंने ये मेंशन भी, भी किया है कि वे इज द बोर्ड नोटिफिकेशन नंबर डेटिंग ऑफ दिसंबर स्पोर्ट्स कैटेगरी अलॉन्ग विद्क्स हेयर एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इफ एनी बिफोर द बोर्ड अप टू ट्वेंटी सेकेंड ऑफ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वेर एज द बोर्ड हैव नॉट एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन अगेन द लिस्ट नोटिफाइड बोपी स्पोर्ट्स कैटेगरी तो अकॉर्डिंग टू जो भी इन्होंने जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो फाइनल लिस्ट निकाली थी उसके बाद रिप्रेजेंटेशन का टाइम दिया था कोई रिप्रेजेंटेशन इनको नहीं मिली तो सिक्सटीबर को इन्होंने ये जो आ, लिस्ट है इसको फाइनल कर दिया था स्पोर्ट्स कैटेगरी की उसके बाद भी इन्होंने फिर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की बोपी की ठीक है और ये इन्होंने इन्होंने मेंशन किया नोटिफिकेशन नंबर जीरो टू बो पी डेटेड टूजेंड ऑफ जनवरी रीड द नोटिफिकेशन इन वी एलिजिबल कैंडिडेट्स एडवाइज टू रजिस्टर एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बोपी वेबसाइट ऑन द वेरफिकेशन अपग्रेडेशन ऑफ द स्टेटस टू ऑनलाइन मोड फ्रॉम एलेवं ऑफ जनवरी से लेकर फिफ्टीन ऑफ जनवरी तक इन्होंने किया था और इसको एक्सटेंड उन्होंने एक दिन फर्दर भी किया था 15th तक 15 जनवरी तक लास्ट डेट थी तो नेक्स्ट को एक्सटेंड किया था 16th ऑफ जनवरी तक ड्यू टू तो टेक्निकल तो स्नैक इन द बोपी वेबसाइट बिफोर द यू टी लिस्ट पी एम एल बी प्रपेरड नोटिफाइड अपडेटेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोपी ठीक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड स्क्रूटनाइज बाई बोर्ड एंड द इट इज फाउंड नोटिस एज अंडर कैंडिडेट्स मतलब जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई उसको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे स्टूडेंट्स ने उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसको वेरीफाइड किया ठीक है फिर सम ऑफ द कैंडेट्स नॉट क्वालिफाइड एज पर द कट आउट डिक्लेयर इन द एन बी ई हैल्सो रजिस्टर्डेड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मोड एंड देर डिवाइड ऑफ एनी मेरिट हैज़ बीन रिजेक्टेड तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे इस पॉइंट में ये मैंशन कर रहे हैं कि जो कट ऑफ में नहीं फॉल करते थे उन्होंने भी ये फॉर्म फिलअप कर दिया और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया उनको ये कंसिडर नहीं करेंगे सम कैंड फिल्ड अप द रजिस्ट्रेन फॉर्म एंड हुम्स और डेफिशन ड्यू टू द नॉन इंश्योरेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ वन और मोर डॉक्यूमेंट्स विचिंग टू डोमोसाइल यू टी एम सी रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा फ्राम द हेड ऑफ द स्पेक्टिव कंसर्न डिपार्टमेंट ड्यू टू द कोविड अप्रूव्ड सब्जेक्ट टू दंडीशन दे शेल सबमिट ऑल द डिशन डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विदेंट डॉमेंट्स एज रिकॉर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन टू रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूट इफ सिलेक्टेड तो हमने इसमें भी बोला है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जिनके कई सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड कर पाए बिकॉज ऑफ सम कोविड जो कंडीशंस थी उसकी वजह से तो वो डोमोसाइज सर्टिफिकेट भी कुछ का अपलोड नहीं हुआ है तो उन्होंने इनको एक चांस दी है कि पोर्जी बाइड लिस्ट उनका तो नाम मेंशन कर दिया लेकिन उनको ये डायरेक्शन दे रही है बोर्ड की आपको जब अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो कंसर्निंग कॉलेज में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो पोपी ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किए थे आपको ओरिजिनल में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर उस टाइम भी नहीं करोगे तो फिर आपको एडमिशन नहीं करने देंगे फ्यू कैंड सो आई फिल अप द प्रलिमिन्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली बट हैव नॉट अपलोडेड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन

तो उनको बोपी की लास्ट चांस दे दी कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली बोपी ऑफिस में ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी तक दो बजे तक ये अपलोड उनको कैंसिल उनको दे दो नहीं तो उनकी आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है उसके बाद कैंडिडेट्स हुआ अपलोडेड difficult area certificate but the period mentioned in the certificate approved by them is less than 1 year of the cutoff date of the online registration fixed by the board and that is 16th of uh, january and also the candidates who have not uploaded the uh, difficult area certificate have been considered under open med, uh, category candidates provided that they have uh, they are eligible within the cutoff off med score and have a valid कैटगरी सर्टिफिकेट एंड फॉल विद इन द कैटेगरी कट ऑफ कैटेगरी स्कोर एज कॉस में भी एज द केस में भी तो उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट्स जो डिफ़िकल्ट एरिया सर्टिफिकेट मतलब एरिया को बिलोंग कर दो उनका डिफिकल्ट एरिया सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोडेड डिफिकल्ट एरिया सर्टिफिकेट बट द पीरियड मैंशन द सर्टिफिकेट अपलोडेड लेस दैन वन ईयर तो जिन्होंने अपलोड किया है लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट है उसमें जो मेंशन uh, है टाइम uh, पीरियड वो लेस देन वन ईयर है तो uh, uh, और उनका जो कट ऑफ है उसमें फॉल भी वो कर रहे हैं ठीक है थीके? और जो लास्ट डेट मतलब थी वन uh, ईयर से लेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो बुक्स ने बोपी ने फिक्स की थी सिक्सटीन ऑफ जनवरी उससे कम वो शो हो रहा है तो एंड आल्सो द दिन डेट द डिफिकल्ट एरिया सर्टिफिकेट है तो उन सारे स्टूडेंट्स को ये ओपन मैरिज ओपन मैरिट में ये कंसिडर करने वाले हैं जिनके सर्टिफिकेट में फुल ईयर मेंशन नहीं है ठीक है और कट ऑफ डेट से पहले पहले उनका सर्टिफिकेशन चेक खत्म हो रहा है या फिर अपलोड नहीं किया है तो उनको ओपन माइट में ही कंसिडर करेंगे कैंड फिल्ड सी डी पी कैटेगरी बट अपलोडेड ओल्ड सर्टिफिकेट इंक्लूडेड इन द पी एम एल एंडेट दे काउंसलिंग सबमिट सी डी पी सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द बोपी वेबसाइट विद इफेक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर डेटेड डेटेडीथ ऑफ दिसंबर तो ये कंसिडर कर कि कई स्टूडेंट्स ने जी डी पी कैटेगरी में भी uh, भरा हुआ है ये फॉर्म तो लेकिन उन्होंने अपलोड नहीं किया है वो फॉर्म तो उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनका नाम भी उन्होंने मैंशन किया अपनी लिस्ट में पूरी सिलेक्शन लिस्ट में तो लेकिन उन्होंने ये कंडीशन दी कि वो अपना सर्टिफिकेट भी सबमिट करेंगे ठीक है एज पर द जो फॉर्मर्ड इन्होंने मैंशन किया बोपी वेबसाइट ने ठीक है आ, और इन्होंने ये भी बोला कि कोई भी डॉक्यूमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे थ्रू द ईमेल ये भी एक पॉइंट लिख रहे हैं और कैंडिडेट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट इज इज्शन शैल द सेम बाई सेन द रिक्वेस्ट वेलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फिजिकली एट बोपी ऑफिस जुम्मन श्रीनगर अप टू ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी टू पी एम तो उन्होंने यह भी बोला कि जो कैंडिडेट्स uh, का कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया है तो उनको एक चांस दे रही है वो भी कि आप ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी से पहले तक दो तो दोवे तक अपना कंसर्निंग सर्टिफिकेट्स उधर सबमिट करवा फिजिकल पोपी ऑफिस में कैडेट्स हु हैव बीन ग्रांटेड एडमिशन ड्यूरिंग सन 18 1920 एंड आर अंडर पर्सिव पीजी कोर्स और हैव लेफ्ट द सेम मिडवे हैव बीन डिबार्ड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन 2001 एज पर द एसआरओ 48 ऑफ 2019 डेटेड 30 जर्वि सुआगर 18 तो जो कैंडिडेट्स ने एडमिशन ली थी एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी में और एंड अंडर पासिंग पी जी कोर्सेज और हैव लेफ्ट द सेम उन्होंने अगर छोड़ दिया मिड वे से तो उनको ये रजिस्ट्रेशन में कंसिडर आई थिंक नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिक पॉइंट कैटेगरी बट डू नॉट पोजेस द वैलिड सर्टिफिकेट शैल बी बीडर्ड एज ओपन माइड और कई स्टूडेंट्स ने uh, अपन, अपना जो सर्टिफिकेट्स है उन्होंने रजिस्टर तो अपने आप को किया है अंडर सम रिज़र्व कैटेगरी किसी ऐसी रिजर्व कैटेगरी के अंडर जो शायद इसमें नहीं आती है तो उनको वो कंसिडर तो कर रहे हैं लेकिन ओपन मैरिट में उनको कंसिडर करेंगे सिमिलरली सर्च कैंडर्ड अड इनकम सर्टिफिकेट क्लेमिंग बेनिफिट अंडर पी एंड बी कैटेगरी बट हुज इनकम एक्सीड सेवेंटी थाउजेंड पर एन एम एवन ट्रीटेड एज ओपन मेरिट और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पी एंड बी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनकी जो इनकम सर्टिफिकेट है पर एन एम सेवेंटी थाउजेंड से ज़्यादा हो रही है उनको भी ये कंसिडर करेंगे ओपन मेरिट कैटेगरी में और और इन्होंने इन्होंने और भी इन्होंने इन्होंनेट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट्स अपड डेट इज हेयर बाई नोटिफाइड नेक्स्ट डे में लिस्ट दी हुई है टू नॉन रजिस्ट्रेशन के टू दिस नोटिफिकेशन फॉर इफ एनी नेक्स्ट डे इंक्लूड्स डिफिकल्ट एरिया मार्क्स एज इन द रिमार्क कॉलम ऑफ ए नेक्स्टर ए तो इन्होंने एन एक्शर ए में ये दे दिए कैंडिडेट अंडर द ई डब्ल्यू स्पोर्ट्स कैटेगरी सी डी पी के जेके पी एम पी एंड बी हैव बीन कंसिडर इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द फॉर एलिजिबिलिटी फॉर ओपन माइट एज ऑलरेडी नोटिफाइड इन द इंफॉर्मेशन ब्राउजर एंड अदर नोटिस नोटिस नोटिफिकेशन ऑन द सब्जेक्ट तो ये भी उन्होंने एक पॉइंट मैंशन किया फॉर द ई डब्ल्यू स्पोर्ट्स और सी डी पी जे के पी एम पी एंड बी

ठीक है तो ये सब कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं और आज का ही नोटिफिकेशन है तो अब मैं लिस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ ये देखिए सेल नंबर इसमें उन्होंने रोल नंबर दिया नेम दिया नीट रैंक इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैटेगरी मेंशन की हुई है और यूटी स्कोर भी इन्होंने मेंशन किया है और ये यूटी रैंक इन्होंने यहाँ पे रैंकिंग नीट रैंक यूटी स्कोर और यू टी रैंक भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो फ्रेंड्स मैं अपना ये जो लिस्ट है ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उधर लिंक दिया हुआ है तो आप मुझे उधर भी ज्वाइन कर सकते हो और ये लिस्ट उधर पी डी एफ आपको मिल जाएगा प्लस इंस्टा मैंने आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसको शेयर कर दूँगा इस लिस्ट को एक बार मैं देख लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें एनेक्शर ए में कितने बता रही है ये सेवन हंड्रेड समथिंग हाँ तो ये जो लिस्ट है ठीक है तो ये नाइन हंड्रेड वन के अप्रोक्सीमेट ये इस लिस्ट में बता रहे हैं स्टार मार्क किया वो डिफिकल्ट एरिया मार्क टू दू ड ऑफिस विद इन दॉक्यूमेंट्स अपनी फर्स्ट तक इनको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने इनका कुछ शॉर्टफॉल चल रहा है तो इन्होंने उनको भी हाईलाइट किया हुआ जैसे द स्टार किया हुआ इन्होंने तो यू लास्ट में ये देखिए यूटी स्कोर जो है लास्ट जो इस लिस्ट में अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट जा रहा है वो टू सिक्सटी सिक्स जा रहा है नीट रैंक जो है वो देखिए नाइन थाउजेंड सॉरी नाइन्टी आपका ये जा रहा है अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी नाइन थाउजेंड के आस पास ये जा रहा है नीट रैंक इनका और यू टी स्कोर का टू सिक्सटी सिक्स है और यू टी रैंक इनका नाइन uh, है ठीक है उसके बाद इन्होंने एक कॉल दिया है ये नोटिफिकेशन ये नेक्स्ट बी है इनका ये कुछ डिफिकल्ट एरिया ये उसका कुछ इन्होंने ये, ये लिस्ट दी हुई है आप इस लिस्ट को भी देख लीजिएगा ठीक है तो जिन लोगों का इसमें नाम मेंशन है डिफ़िकल्ट एरिया से शायद वो uh, बिलोंग करते हैं उनकी वेटेज मैंशन किया टोटल स्कोर उनका ये मेंशन किया हुआ है ठीक है तो फ्रेंड्स आई होप मैंने ये जो नोटिफिकेशन के लिए आपको डिटेल में समझा दिया है जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं काली सब्सक्राइब में जाए लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में